then that particle is constantly accelerated in radially inward direction. If we have got a uniform circular motion of particle, particle इस तरह से circular path में घूम रहा है और circular path में घूमते हुए इस particle की angular velocity omega है और पार्टिकल का रेडियस आर है. किसी भी समय पर पार्टिकल की लीनियर स्पीड वी है. लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज वी एंड इट्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस आर एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. वी यूज्ड टू से दैट दिस पार्टिकल इज constantly accelerated in radially inward direction. इसकी velocity constantly radially inward direction में change होती रहती है. And that radial inward acceleration, its value is given by v square by r. Or it's given by omega square r. Or it's given by V omega. This is radial inward acceleration of any particle in uniform circular motion, and this radial inward acceleration is also termed as centripetal acceleration. इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं. यह मेरा लास्ट आर्टिकल था. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड v. वह सर्कुलर पाथ में कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है. और ऐसी मैंने सिचुएशन बताई थी कि एक लंबे समय से घूमता हुआ पंखा, उसमें किसी भी पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है और उस किसी भी पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा होता है और उसकी यह मैग्नीट्यूड है. अब माई नेक्स्ट आर्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है और सर्कुलर पाथ में उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है. उसकी सर्कुलर पाथ में लीनियर स्पीड चेंज हो रही है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है. और हम कहते हैं at any instant if angular velocity is omega, at any instant if angular velocity is omega and tangential velocity is v. Tangential velocity को हम linear speed भी कह सकते हैं. Linear speed मतलब इस circular path के along speed, और ये किसी भी instant पर tangential direction में होती है. That's why we term it tangential velocity. Now, this angular velocity varies with the time.
d omega by dt is alpha, and this is angular acceleration. दो कंडीशन मैंने बताई थी, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, वेरिएबल एंगुलर एक्सीलरेशन. अब हम कहते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा r. आई डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dE बाय dt इज d बाय dt ऑफ ओमेगा r. r रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स r इंटू डी ओमेगा बाय डी टी और r इंटू अल्फा. डीवी बाय डी टी की जगह पर हम लिख सकते हैं दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. डीवी बाय डी टी वी डिनोटेड बाय ए टी, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. डीवी बाय डी टी की जगह मैं ए टी लिख देता हूं, डीवी बाय डी टी की जगह ए टी लिख देता हूं. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. हम कहते हैं अब दो एस्पेक्ट को देखो, बोर्ड पर इस समय लिखे हुए हैं. यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी समय पर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और उसकी लीनियर स्पीड वी है, रेडियस आर है, तो उस पार्टिकल का कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता रहता है. दिस रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन, इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर और वी ओमेगा. वी कॉल इट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन और रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन. अब मैं कहता हूं कि यह जो रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन है सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही नहीं, ये तो किसी भी तरह के सर्कुलर मोशन में होगा. द सर्कुलर मोशन मे बी यूनिफॉर्म, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म. किसी भी इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी यदि वी है और रेडियस आर है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा और वो यह होगा. यह जो कंसेप्ट है यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी लगेगा. मगर यह जो कंसेप्ट मैंने बताया है, दिस कंसेप्ट होल्ड ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स जब आपने फैन को स्विच ऑन करा या फैन को स्विच ऑफ करा, तो स्विच ऑन करने पर उस फैन के किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है सर्कुलर पाथ में. स्विच ऑफ करने पर उस फैन की एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है. किसी भी इंस्टेंट पर यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, टेंडेंशियल वेलोसिटी भी है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन, वी डिनोटेड बाय अल्फा. एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. dv by dt is this tangential acceleration. This is the rate of change of tangential velocity, the magnitude of tangential velocity. Now, we say v equal to omega r. Tangential velocity equal to omega r. I differentiated it with respect to time.
dy dt इक्वल टू dy dt ऑफ ओमेगा, r बाहर आ गया, r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी की जगह अल्फा लिख रख दिया, डीवी बाई डी टी इक्वल टू आर अल्फा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। कहने का मतलब यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कंपोनेंट भी होता है। पार्टिकल इस जगह पर है, इसका रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन है। इस पार्टिकल के एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, मैं इधर ड्रॉ करता हूं। दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल भी इस जगह पर है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अबाउट दिस सेंटर ओ। इस पार्टिकल की यदि वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा, इज एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इस केस में हम कहते हैं कि यह जो पार्टिकल है इसके दो एक्सीलरेशन होंगे, एक इसका एक्सीलरेशन होगा रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में, यह रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है या इट्स वैल्यू इट्स मैग्नीट्यूड इज एस रिटन बिलो, इसका वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड नीचे दिया हुआ है और एक इसका एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और इसका मैग्नीट्यूड इस जगह पर दिया हुआ है। द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ द टू, इन दोनों का वेक्टर सम इस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन होता है। यह पार्टिकल ओवरऑल इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आई सिंपली मीन टू से देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। वन कंपोनेंट इज अलॉन्ग द रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन एंड अनदर कंपोनेंट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने इस जगह पर लिखा है और नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा।